आजकल आपने देखा है भारत में मोबाइल डेटा और नेटवर्क को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है, और इसमें अच्छा अपडेट ये था कि BSNL अब इंडिया में कम बैक कर चुका है। पहले और अभी तक हम सिर्फ BSNL के 3G नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाते थे, लेकिन इसी बीच अच्छा अपडेट ये है कि भारत में अब BSNL की 4G सर्विसेज लाइव हो चुकी है। अभी के लिए बहुत से लोग तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर BSNL के 4G नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, और माना जा रहा है कि इस सर्विस को अब 2025 तक पूरे इंडिया में शुरू किया जाएगा। और सिर्फ 4G नहीं, BSNL अपनी 5G सर्विस की भी इंडिया में शुरुआत कर चुकी है, जिसके ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। अब मैं आपको इसी बीच एक अच्छा अपडेट ये देती हूँ, BSNL और MTNL मिलकर अब इंडिया में 4G सर्विस की शुरुआत करेंगे। सो इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि BSNL और MTNL ने एक सर्विस एग्रीमेंट किया है। हालांकि इस एग्रीमेंट का मेन मोटिव क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना यही जा रहा है कि BSNL और MTNL मिलकर अब इंडिया में 4G सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, और वो भी बहुत ही कम दाम में। सो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एरियाज में BSNL की 4G सर्विस जो है वो शुरू की जा चुकी है, और ये जो नया एग्रीमेंट हुआ है BSNL और MTNL का, ये एग्रीमेंट हुआ है 10 साल के लिए। तो आगे आने वाले टाइम में आप ये समझिए कि जैसे अभी तक हम 3G सर्विसेज पर डिपेंडेंट है, और बहुत से एरियाज हैं जहाँ लोग अभी तक प्रॉपर इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। सो भारत अब आने वाले 10 सालों में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस पॉइंट में, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कम प्राइस में बेटर तरीके से इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। इसी बीच कुछ खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि BSNL की तरफ से MTNL ऑपरेशन को ओवरटेक भी किया जा सकता है। लेकिन मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि ये एग्रीमेंट किस बेसिस पर हुआ है और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले टाइम में धीरे धीरे इसके डिटेल सामने आए, तो इसी के ऊपर सारी डिटेल्स आपको देते हुए हम आपके लिए अप टू डेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जैसे BSNL ने कम बैक किया है, तो माना जा रहा है कि MTNL भी अब जल्दी कम बैक कर सकती है। और इसी बीच आप ये भी मान सकते हैं कि जैसे BSNL की 4G सर्विस अब शुरू हो चुकी है, आने वाले टाइम में आपको जल्द ही MTNL और BSNL की 5G सर्विस भी प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि कुछ ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जैसे एयरटेल, जियो, जो ऑलरेडी इंडिया में 5G सर्विस लागू कर चुके हैं, लेकिन ये जो पूरा मुद्दा है ना, ये स्टार्ट ही तब से हुआ था जब बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने रिचार्ज प्लान काफी ज्यादा महंगे कर दिए थे। और हाल ही में तो हम 4G पर डिपेंडेंट हैं, तो आप सोचिए जब 5G प्लान आने लगेंगे तो उसके लिए आपको कितनी कीमत चुकानी होगी। तो यही एक मेन वजह है कि लोग BSNL पर काफी तेजी से स्विच कर रहे हैं, क्योंकि BSNL अभी भी काफी कम दाम में सस्ता इंटरनेट ऑफर करता है। अब देखना यह है कि जो BSNL और MTNL की डील होती है, इससे हम सब यूजर्स को क्या फायदा मिलने वाला है, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, हमें अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही ये वीडियो सभी BSNL लवर्स के साथ जरूर शेयर करें, इसे लाइक भी करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।